ब्लैक बॉक्स के बारे में हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को समझेंगे, उससे पहले चॉपर और हेलीकॉप्टर में अंतर समझते हैं। चॉपर बहुत छोटा होता है, उसमें विंग्स जो रोटर ब्लेड होते हैं वो एक मतलब कम होते हैं सब। जबकि अगर हेलीकॉप्टर देखेंगे तो इसका एडवांस वर्जन है। ये टूरिस्ट लोग, मीडिया लोग या पुलिस किसी चीज को चेस करने के लिए, गुंडे वगैरह को चेस करने के लिए चॉपर्स का यूज करती है। जबकि हेलीकॉप्टर जो होता है इसका एडवांस रूप होता है, इसमें आर्मी मिलिट्री यूटिलिटी के लिए यूज किया जाता है, इससे बहुत एडवांस होता है हेलीकॉप्टर। तो बिपिन रावत सर का MI-17 V5 दुनिया का लेटेस्ट हेलीकॉप्टर में से था, इसमें हर तरह की सुरक्षा चीजें थी। तो हम ये विमान जो दुर्घटना हुआ है वो हेलीकॉप्टर क्रैश है, न कि चॉपर क्रैश। देखिए जब कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है तो मौत का कारण पता करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। उसी तरह हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में अक्सर ये देखा गया है कि बहुत कम लोग सर्वाइवर होकर बच पाते हैं। हालांकि हमारे बिपिन रावत सर नागालैंड के एक बार दौरे पर थे तो उस समय भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था और वो हेलीकॉप्टर क्रैश में बच चुके थे। लेकिन इतने बहादुर थे वो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में भी, लेकिन क्या है कि इतनी हाइट कम थी कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में आग लग गया। तो एक ही रास्ता है उसको उसके अंदर बताने के लिए, क्योंकि कोई जिंदा ही नहीं बचा। तो उसमें एक मशीन लगी होती है जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। एक्चुअली ये ऑरेंज कलर का होता है, इसलिए ऑरेंज बनाया जाता है ताकि अगर ये विमान दुर्घटना के बाद इसे ढूंढना आसान हो जाए ऑरेंज कलर के होने की वजह से। ब्लैक बॉक्स जो होता है उसमें दो चीज होते हैं, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट उसे बोलते हैं जहां पायलट बैठता है, जहाज का वह हिस्सा जहां पायलट की केबिन होती है उसे कॉकपिट कहते हैं। तो कॉकपिट में कौन सी बातें हुई है उसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR फाइल करता है, और जहाज में कितना फ्यूल एयर प्रेशर ये सब था ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर करता है। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो वो बनता है हमारा ब्लैक बॉक्स। अब इसमें जो पहला होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, तो ये देखिए ये जहाज का केबिन है जहाँ पे कॉकपिट में जहाज बैठते हैं, ये कॉकपिट है उसका, यहाँ पायलट बैठते हैं, ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। कभी कभी इमरजेंसी होने पर ये पैसेंजर को भी बताते हैं कि ऐसी इमरजेंसी आ रही है, ये ATC से संपर्क करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर इससे भी पता चल जाता है कि लास्ट मोमेंट पर क्या बातें हुई थी, आपस में ये लोग क्या बात कर रहे थे, ATC को क्या बोले थे, पैसेंजर को कौन सा वार्निंग दिए थे, इससे बहुत सहूलियत हो जाती है। साथ में ये लोग डिस्ट्रेस सिग्नल भी देते हैं। देखिए जहाज का जब एक इंजन फेल हो जाता है तो ये लोग वार्निंग के तौर पे पैन 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 सिग्नल देते हैं, 3 बार बोलेंगे पैन पैन पैन, मतलब आधी इमरजेंसी है, एक इंजन पे भी जहाज आराम से लैंड कर सकता है। लेकिन यदि दोनों इंजन खराब हो जाता है तो इसमें मेडे मेडे का सिग्नल दिया जाता है, मेडे मेडे मेडे, मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी है। ये हेलीकॉप्टर और मतलब विमान दोनों के लिए होता है। बिपिन रावत सर के हेलीकॉप्टर से लास्ट में ना पैन पैन का कोई डिस्ट्रेस मैसेज किया गया, ना ही मेडे मेडे का कोई डिस्ट्रेस सिग्नल दिया गया। लास्ट बात यही थी कि हम 5 मिनट के अंदर हम एयरबेस पर लैंड कर जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद अचानक रडार से गायब हो गया। तो ये सारे रिकॉर्डिंग को रखता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब जो दूसरा होता है इसका ब्लैक बॉक्स का दूसरा अंग होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में 80 से ज्यादा आंकड़ों को रिकॉर्ड किया जाता है कि ये रोटर ब्लेड कितनी तेजी से घूम रहा था, बाहर हवाएं कितनी तेजी से चल रही थी, कितनी हाइट पर था, फ्यूल कितना था, दाहिनी ओर कितना झुका था, बाईं ओर कितना झुका था, पीछे का रोटर ब्लेड कितना तेजी से लड़ रहा था, टेम्परेचर कितना था, हवाएं किस दिशा से आ रही थी, कितने प्रेशर थे, फ्यूल काम कर रहा था कि नहीं, कोई दुश्मन का रडार तो नहीं आया था, कोई मिसाइल से अटैक तो नहीं हुआ, जितनी चीजें होती हैं 80 से ज्यादा चीजों को यही बताता है कि ये पीछे से कितना डिग्री उठा हुआ था, आगे से कितना डिग्री था। ऐसे 80 से ज्यादा आंकड़े जो रिकॉर्ड रहते हैं वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में रहते हैं। तो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को एक साथ सुनकर हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आखिर लास्ट मोमेंट पे क्या था। अब कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे, अब एक ही रास्ता बताया ब्लैक बॉक्स। अब ये ब्लैक बॉक्स में ही हर चीज होती है, इसलिए ब्लैक बॉक्स को बहुत ही सुरक्षित बनाया जाता है। इसे सॉलिड स्टील से बनाया जाता है, इतना मजबूत होता है कि अगर कोई हेलीकॉप्टर या जहाज 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी टकराता है तो इसे कुछ नहीं हो सकता है। इसे आप गर्म भट्टी में 200 अक्सर आग लग जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे 260 डिग्री सेल्सियस तापमान सहने वाला भी बनाया जाता है, ये उसमें भी गलता नहीं है। अगर ये पानी में गिर गया तो पानी में भी ये 30 दिन तक बिना बैटरी के सिग्नल छोड़ते रहेगा, बीकन छोड़ते रहेगा, जिससे कि इसे ढूंढने में आसानी हो सके इस ब्लैक बॉक्स को। इस ब्लैक बॉक्स को प्रेशर सहने के लिए भी बनाया जाता है कि हो सकता है कि ब्लैक बॉक्स नीचे गिरे उसके ऊपर पूरे जहाज का लोड आ जाए, तो ये 2.5 टन का वजन अपने ऊपर रोक सकता है। इसे अगर कहीं स्क्रेच आए, कटने पिटने से भी इसे कुछ नहीं हो सकता है, इसे काटा भी नहीं जा सकता, अतः ये ब्लैक बॉक्स बहुत ही सुरक्षित बनाए जाते हैं। बिपिन रावत सर का जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया इस पे शक की नजर इसलिए आ रही है कि इसने मेडे मेडे या पैन पैन का कोई सिग्नल ही नहीं दिया।
सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, उसके बावजूद अगर देखिएगा तो ये हेलीकॉप्टर है और जमीन से इतना पास आ गया है, अचानक ये धुंध में चला गया और यहीं से 100 मीटर आगे जाके ये टकरा गया। इतना सब होने के बावजूद पायलट ने कोई भी स्ट्रेट सिग्नल नहीं दिया, ना ही बोला कि मौसम की गड़बड़ी, ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया। जबकि 500 मीटर यह जहाज जो था अपने रूट से भटका था रास्ते से, जबकि वीवीआईपी लोगों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे, सीडीएस जैसे बड़े पद होते हैं, सेनापति होते हैं, उनका रास्ता नहीं भटकना चाहिए, जबकि यह हेलीकॉप्टर 500 मीटर अपने रास्ते से भटका था। तो इसलिए भी इस पर सब की नजर जा रही है। दूसरा, यह हेलीकॉप्टर जो था अब तक का सबसे इंडिया का लेटेस्ट और एडवांस हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह से, अगर कुछ लोग कह रहे कि पुराना, देखिए पुराने हेलीकॉप्टर इसमें नहीं, चीता चेतक जो है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, हम उनकी बात नहीं, ये एकदम एडवांस वर्जन है। मी 17 का भी एडवांस वर्जन है, MI-17 V5, ये एकदम एडवांस वर्जन है ये हेलीकॉप्टर का। तो लेकिन अभी जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि कयास ऐसे भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि विपिन रावत सर जो है ये बहुत मुखर थे, ये चाइना के प्रति, पाकिस्तान के प्रति बहुत मुखर थे। 370 हटाए जब गया था तो फुल कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट को इन्होंने लिया था, या गलवान की इंसिडेंट में भी। अब नरवणे साहब को ये जिम्मेदारी देखिए अब किस तरह से आगे होता है। हालांकि सेना के सभी अंगों में जो भी कमांडर के रैंक पे है, जो सेनापति है, उनमें योग्यता की कोई कमी नहीं रहती है। कोई होते हैं कि कुछ लोग मतलब अपनी जनता के प्रति अपनी पहुंच को बना लेते हैं, उनमें एक डायनेमिक रूप में थे हमारे विपिन रावत सर, इनकी तो कोई क्षतिपूर्ति कर ही नहीं सकता है। लेकिन भारत में शेरों की कमी नहीं है, हमारे देश में जब भी लोग रहेंगे हमारे विपिन रावत सर का नाम हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे, वो हमारे दिलों में है। भगवान को भी ऐसे ही सेनापति की जरूरत थी, इसलिए वो ले गए लोग, इनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। ये एनडीए से थे, फिर सीडीएस में ट्रेनिंग लिए, आईएमए में ट्रेनिंग लिए, उसके बाद से ये इनके पिताजी की ही कमांड में ये भी आगे गए, एक छोटे से गांव से निकलकर एक देश के सेनापति के पद को संभाले। इस पल को कोई कैसे भूल सकता है जब विपिन रावत सर जो है वो मेडल दे रहे हैं, बेस्ट कैडेट का वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हो। हमारी भी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जो सीडीएस साहब है वो हमारे बैच के बच्चों को भी कैडेट का, बेस्ट कैडेट का अवार्ड दे सके, चाहे वो एयरफोर्स में जाए, आर्मी में जाए, नेवी में जाए, हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारे विपिन रावत सर को, कि गांव के लड़कों को भी आगे पहुंचाया जा सके एनडीए और सीडीएस में। देखिए तीनों सेनाओं में जाने के लिए सबसे बेटर रास्ता होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, 12th के बाद इसमें जाया जाता है, 900 नंबर का एग्जाम होता है, इसको पास करना पढ़ने वाले उसने इसमें पास करने के लिए एक खास तरह की स्ट्रेटजी चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो 2+2 स्ट्रेटजी को लगाते थे और वही 2.5-3 महीने में आराम से रिजल्ट हो गया, SSB हुआ, फिर हम लोग का मेडिकल में हो गया, वो अलग बहुत 10-12 साल पहले की बात हो गई है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चे गांव की पृष्ठभूमि के हैं वो कहां से इतनी लंबी फी अफोर्ड कर पाएंगे। हमारे पास एक लड़का आया था करने के लिए कि सर हम इंडिया में 40-50 हज़ार रुपया फीस दे के आए, गांव का लड़का नहीं दे सकता है। हमारी सोच है, हम सोचते हैं कि गांव का एक लड़का जिसके पिताजी अगर ठेले पे सब्जी भी बेचते हैं तो वो एनडीए क्लियर करे और आगे जाके वो पायलट बने, ताकि वो माँ बाप का साथ देश का भी नाम रोशन कर सके। इस वजह से इंडिया में सबसे नॉमिनल फी में, जिसको हम बताते ना एक रिक्शे वाले का भी लड़का इजीली अफोर्ड कर सकता है इस 3 महीने के सिलेबस को। तो हम लोग ये हमारे हिसाब से हमारी यही श्रद्धांजलि थी कि हम उस खाली जगह को भर सके, ताकि देश में तो वीरों की कोई कमी नहीं है। तो हम नहीं जा सके, आउट हो गए एनडीए से, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, गांव के बच्चों को जो गरीब है उन्हें वहां पहुंचा जा सके। तो आप लोग, इसकी क्लासेज भी स्टार्ट कर दी गई, तो मन लगा के पढ़िए। हमारे ख्याल से इससे बड़ी श्रद्धांजलि बच्चों के लिए के तौर पे जो देना चाहिए वो बच्चे नहीं दे सकते। जो बहुत बच्चे भी इसमें, देश का बच्चा बच्चा विपिन रावत सर से जुड़ा हुआ था, वो इतने बेहतरीन थे ही, क्या कहिएगा वहां पे हमारे दुश्मनों के लिए तो मतलब वो काल थे एकदम। तो हर बच्चा जुड़ा हुआ था, आज हर बच्चा सोच रहा है कि हम कैसे देश के लिए कर सके। तो बच्चों के लिए क्या है, आप पढ़ाई कीजिए, यही आपके लिए देश सेवा हो। आई होप आप इस चॉपर हेलीकॉप्टर ब्लैक बॉक्स को समझे होंगे। अब जांच की इंक्वायरी बैठाई गई है, ये जब रिपोर्ट देगा तो ही कोई भी चीज सामने आएगा। अभी कुछ भी चीज को पुख्ते तौर पे कहना भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये देश का बहुत ही सेंसिटिव मामला है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आप पढ़ाई करते रहिए, सामने एग्जाम है, दरोगा है, बीपीएससी है, रेलवे है, अप्रैल में एनडीए है। जो एनडीए के लड़के हैं उन लोगों से कहेंगे कि आप लोग जी जान लगाइए और बेहतरीन से बेहतरीन कीजिए, ताकि आगे जाके आप लोग देश को रोशन कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।